से पहले जो गुरु बालदास ने कांग्रेस में एंट्री ली और उसके बाद बहुत सा माहौल चेंज हुआ और बहुत कांग्रेस को यहाँ पर सफलता मिली है बड़े स्तर पर, तो आज वो हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या आपने सोच कर कांग्रेस को समर्थन दिया इस बार चुनाव में? नहीं, हमने तो यही सोच के कि भी हमको सरकार बदलनी, लोग भी चाहते थे कि भी सरकार बदलना चाहिए। लोग बहुत प्रताड़ित थे, लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था, महिलाओं के साथ भी और किसानों के साथ भी, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ भी, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही थी, सबको देख रहे थे, तो हमको भी लगा कि भी सरकार बदलनी चाहिए और एक अच्छा विकल्प ऑप्शन था हमारा कांग्रेस जो है। और कांग्रेस से तो पहले से लोग हमारे समाज के लोग जुड़े ही रहे हैं, तो उनको कांग्रेस को लाए, अपन ने एंट्री किया कांग्रेस में और ज़बरदस्त समाज का एक समर्थन मिला और जिससे 68 सीटें जो है कांग्रेस जीत के आई, जो ऐतिहासिक जीत रहा, ऐसा कभी हुआ नहीं इतिहास में। तो एक इतिहास समाज के लोगों ने हम पर वोट देके कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने में मदद की, तो इसके लिए तो सभी समाज के लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और आगे भी हमारा समाज जो है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके हमेशा काम करते रहेगी। और समाज को भी अभी गौरवान्वित किया गया, अभी जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें रत्नाई समाज के दो दो मंत्री लिए गए, सम्मान दिया गया, ऐसे हमें बहुत बेहद खुशी हुई और लग रहा है कि भी हम समाज को बहुत आगे ले जाने में और सरकार काफ़ी सोच समझ के काम कर रही है और सभी वर्गों को भी लेके अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ और सभी को तो खुश किया नहीं जा सकता, लेकिन एक अच्छा वातावरण बना है प्रदेश में। हमारे बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार चलेगी वो बहुत अच्छा ही रहेगा और लोगों में एक अच्छा रुझान है कांग्रेस के प्रति, जो अपेक्षाएँ जो है अभी जो किसानों के लिए कि उन्होंने 2500 क्विंटल कर्जा माफ़ी, बिजली बिल और बेरोजगारों को ये रोजगार, ये बहुत सारी जो बातें हैं वो प्रभावित किए और स्पष्ट बहुमत आया। और बीजेपी का तो जो भ्रष्टाचार में जो डूबे थे उनका तो सोपड़ा साफ हो गया और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भी सतनाई समाज का मुखिया और नेता कोई और है ना, तो उसको भी अपने पटकनी दिए। सतनाई समाज का नेता मुखिया गुरु तो गुरु ही होता है, सतनाई समाज गुरु प्रधान समाज है और गुरु जहाँ रहेगा समाज वहाँ रहेगा। जाहिर तौर पर सर, आपने कांग्रेस को समर्थन दिया और आपके कहने पर बहुत से सतनामी समाज के लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है, तो क्या करेंगे, अलग से क्या करेंगे सतनामी समाज के लिए? अलग से कुछ नहीं, पार्टी से और सरकार से मिलके ही जो समाज की जो समस्याएं होगी किसी भी प्रकार का, उनको उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के साथ मिल के, साथ बैठ के विचार विमर्श करके समाज को आगे सर्वांगीण विकास उनका कराएंगे। मंत्रिमंडल में जो दो लोगों को जगह मिली है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, एक तो हमारा भतीजा है रुद्र कुमार गुरु जो है गुरु परिवार से है और दूसरा भी हमारा ही बेटा है समझो उनको, जो डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी हैं, तो उन दोनों को जो मंत्री पद दिया गया है उससे समाज भी संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं और आज समाज को अच्छा सम्मान मिला, प्रतिनिधित्व मिला सरकार में। अब चुनाव के दौरान कोई ऐसी समस्या या कुछ किसी तरह के आरोप आप पर लगाए गए क्या? नहीं नहीं, कोई आरोप हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे हम तो कांग्रेस के लिए क्यों एंट्री ले रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आदमी स्वतंत्र है ना, राजनीति स्वतंत्र करता है, धर्म स्वतंत्र है, समाज स्वतंत्र है, सारे चीज़ स्वतंत्र है, कोई भी कहीं जो अच्छा लगता है वहाँ काम करेगा। तो अब आप मंत्रिमंडल में तो नहीं है, लेकिन अब आपकी क्या अगली रणनीति? बिल्कुल, जो कांग्रेस के साथ हैं और समाज के साथ हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के साथ हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हैं, छत्तीसगढ़ के जो भी समाज के अलावा, गुरु तो ऐसा है कि भी एक व्यक्ति विशेष समाज का तो होता नहीं है, सारे समाज के होते हैं, हमारे बुजुर्गों ने पुरखों ने पूरे समाज के लिए काम किया है, तो उसी तर्ज पे उसी रास्ते पे आगे चल के छत्तीसगढ़ वासियों का जो भला करना है उसमें हमारा विशेष योगदान रहेगा। तो ये थे हमारे साथ सतनामी समाज के गुरु बालदास जी, जिनका मानना है कि वो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और समाज के हित में काम करेंगे।